वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन एग्जाम्स अड्डा 75। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके, सो आज हम इंग्लिश ओल्ड पेपर्स की सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो लास्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, ठीक है, एंड उसके अलावा जो भी एमपी स्टेट रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपके होने वाले जेल पुलिस के हैं, एंड आने वाले एग्ज़ाम जितने भी हैं और अदर स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं हाल फिलहाल, उनको सॉल्व करने में आपको सहूलियत होगी, बिकॉज़ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, ठीक है, ये कोई भी बोर्ड है, वो अपने जो क्वेश्चंस रहते हैं प्रीवियस ईयर उन्हें दोबारा जरूर पूछते हैं। सो आप इन वर्ड्स को और उसके साथ साथ कुछ नए वर्ड्स को भी आप लर्न कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। ओके, और नए वर्ड आपको मिले तो आप घबराएं नहीं, उसको एलिमिनेट करना सीखें। ओके, सो पेन और पेपर आप हाथ पे ले लीजिए एंड क्वेश्चंस में जो भी हम न्यू वर्ड्स आपको सिखा रहे हैं आप उन्हें नोट करते जाइए। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमें दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड दैट क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। दैट मीन्स यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड बताना है, एक हमें वोकैब दिया है, इसका हमें एंटोनियम्स बताना है। ओके, सब सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए तब भी हम इसके एंटोनियम्स को फाइंड कर पाएंगे। ओके, सो वर्ड है डेक्राय। डेक्राय वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है किसी इंसान को डिनाउंस करना। ओके, सो डिनाउंस करना किसे इन सिंद मतलब उसे क्रिटिसाइज करना, ठीक है, या उसकी निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, रेप्रीमेंड करना, डेक्राय करना, ये सारे वर्ड जो होते हैं एक प्रकार से इसके सिनोनिम्स होते हैं। ओके, सो हम इसका एंटोनियम्स देखेंगे। सबसे पहले इसका वर्ड है कॉन्विक्ट करना है, मतलब एक प्रकार से किसी इंसान को क्रिमिनेट कर देना, रिजेक्ट करना, उसे नकार देना, सिंथेसाइज करना मतलब एक्सट्रीम इंक्रीज करना, एंड फ्रेज करना। फ्रेज एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी इंसान को एक्साल्ट करना, EXALT, एग्जाल्ट ये नया वर्ड है जो आपको पता नहीं होगा। जनरली इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, जैसे किसी इंसान को फ्रेज करना, एडमायरेशन करना, एडमायर करना, रिस्पेक्ट देना। ओके, सो लेकिन ये एग्जाल्ट वर्ड है जो इसी का सिनोनिम्स है जो आपको कम पता होता है, आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो सो डेक्राय का मतलब होता है किसी इंसान को डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, और फ्रेज का मतलब होता है उसे मतलब फ्रेज करना, उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना, उसकी क्वालिटी बताना। ओके, सो ये इसका मोस्टली एंटोनियम्स हो जाएगा। सो बढ़ते सेकंड, गज़ल। गज़ल का मतलब होता है एक गज़ल का मतलब होता है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा खाना खा लेना या बहुत ज़्यादा पानी पी लेना, ठीक है, ग्रीडली, मतलब कोई इंसान बहुत ज़्यादा भूखा है और वो बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म होके काफ़ी ज़्यादा खाना खा लेता है, सो गज़ल। सो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्व। स्टार्वेशन का मतलब होता है भुखमरी, हंगरनेस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें एंटोनियम्स फाइंड करना है। हमारा वोकैब है रैम्पेज, ठीक है, रैम्पेज इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस, ठीक है, वॉयलेंस इसका मतलब होता है, आप इसे नोट कर लीजिए, वॉयलेंस का मतलब होता है, इसका सिनोनिम्स होता है वॉयलेंस, ठीक है। सो या वॉयलेंस या अनकंट्रोल बिहेवियर या ऐसा रिमार्क जो काफ़ी ज़्यादा हार्टफुल हो, ठीक है, नॉइसली हो, सो इसका एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे, हारमोनी। हारमोनी मतलब होता है पीस या शांति, ठीक है, ये हारमोनी जो होता है पीसफुलनेस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे इसका एंटोनियम्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हारमोनी। स्पैट, ओके, स्पैट वर्ड होता है इसका मतलब भी हमारा रैम्पेज जो होता है ना उसका इसको सिनोनिम समझ लीजिए। ओके, जैसे स्पैट, स्पैट मतलब होता है वॉयलेंस, ठीक है, वॉयलेंस एक्सप्रेशन, एंग्रीली किसी इंसान का बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना, नोइसी हो जाना और एंग्री टाइप में एक्सप्रेशंस दिखाना, डैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा क्रोध में है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड फोर्थ होता है जो कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मतलब होता है किसी इंसान का मतलब हारमोनी, हारमोनी के लिए यूज़ किया जाता है कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट, किसी बात से सहमत हो जाना। ऑब्वियस सी बात है जब आप किसी इंसान से सहमत होंगे तो उससे हमें
जो नोइसी है या फिर वॉयलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, डेन्यूड। डेन्यूड का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को डिस्कवर करना, मतलब रिवील कर देना, या किसी इसकी हेल्प नहीं करना, ठीक है, या अनकवर कर देना, डिसमिस डिस्कवर कर देना, ठीक है, किसी इंसान से किसी चीज़ से पर्दा उठा देना या उसे क्लोज कर देना, अनक्लोज कर देना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हम देखिए, क्लोथ करना, किसी इंसान को क्लोथिंग करना, मतलब कवर करना, उसकी हेल्प करना। ओके, सो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा मोस्ट सिमिलर एंटोनियम्स, सैप। एक वर्ड होता है सैप, SAP, सैप वर्ड दिखने में जितना छोटा है उसका मीनिंग उतना ही बड़ा होता है। सैप वर्ड मतलब होता है जैसे धीरे धीरे, सडनली ब्रेक डाउन होना या कमज़ोर होना, वीक होना, डिस्ट्रॉय होना, धीरे धीरे उस चीज़ का पूरा जड़ से एलिमिनेट कर देना, और उसका उन्मूलन हो जाना, ठीक है, वो इंसान वीक हो जाना, स्लोली स्लोली उसमें चेंजेस होना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोर्टिफाई जो वर्ड होता है इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, 45, ठीक है, 4 5 की हेल्प करता है एंड 5 4 की, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है, फिजिकल मेंटली, एंड उसे एक दूसरे को एंथुसियाज्म करेंगे, कॉरेज देंगे, उसे उत्साहित करेंगे, एंड्योर करेंगे, एंड्योरेंस करेंगे। ओके, सो सेव वर्ड का अपोजिट होगा 45। ओके, फेरोलिक। फेरोलिक मतलब होता है एक चेयरफुल, बहुत ज़्यादा, एक ऐसी ज़िंदगी, ऐसा जीवन जो बहुत ही ज़्यादा लाइवली हो, चेयरफुल हो, ठीक है, ज़िंदगी जीने का ऐसा तरीका जिसमें फुल ऑफ जॉय हो, ठीक है। सो एक वर्ड होता है ड्रजेरी। ड्रजेरी यहाँ पे डी साइलेंट होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है डल या ट्राइट। फ्रेंड ये ट्राइट वर्ड होता है, जो TRI, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म पे, ड्राइड, डल। ओके, सो ये रिमोर्स, REMORSE, रिमोर्स। ओके, सो ये सिनोनिम्स होते हैं किसके, ड्रजेरी के। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, सिविलेट करना। किसी इंसान को सिविलेट करना मतलब उसे डिनाउंस कर देना। डिनाउंस हमने काफ़ी बार पढ़ा है, ये ऑप्शन में हमारे ये सेंटेंस में ही, सेशन में ही डिनाउंस वर्ड 3 बार आ चुका है, और आई होप आपको अब इसका मतलब पता हो जाना चाहिए। डिनाउंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा हाईली क्रिटिसाइज़ करना, बहुत ही बड़े तरीके से, बहुत ही ज़्यादा उसे निंदा करना, उस इंसान में आरोप लगाना, ठीक है। इसका वर्ड सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा एग्जॉल्ट करना, ठीक है। एग्जॉल्ट मतलब टू प्रेज समवन, टू एडमायर समवन, ठीक है, टू अप्रिशिएट समवन। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये हमारा सेशन है जिसमें हमने एंटोनिम्स वर्ड को सॉल्व किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपने न्यू वर्ड भी सीखे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सॉल्व करने की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपको जो वोकैब दिया हुआ है उसका मतलब पता होना चाहिए, एंड साथ ही ऑप्शंस जो दिए हैं उन्हें आपको आपको उनका मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। एंड इसकी और भी ट्रिक्स रहती हैं, जैसे यदि आपको 4 वर्ड दिए हैं उसका हमें मतलब नहीं पता, क्योंकि हम सारे वर्ड्स का मतलब तो समझ नहीं सकते। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे, यदि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और उन 4 ऑप्शन में आपको किसी का भी मतलब नहीं पता है, सो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही ब्रीफ में और कम टाइम के साथ। ओके, सो ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, एंड यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट सेशन में। एंड देन थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम्स अड्डा 75।